जनपद संभल की सदर तहसील क्षेत्र में नगर सुधार कमेटी ने वृक्षारोपण किया। जनपद संभल की सदर तहसील क्षेत्र में नगर सुधार कमेटी की तरफ से एक पौधारोपण प्रोग्राम मिशन इंटरनेशनल एकेडमी में हार सिंगार के पौधे लगाकर किया गया। मुशीर तरीर ने बताया कि नगर सुधार कमेटी का इस साल 10,000 पौधे संभल में लगाने का टारगेट है, जिसमें सागौन, पीपल, नीम, जामुन, हारसिंगार व वातावरण को शुद्ध करने वाले पेड़ लगाए जाएंगे। नगर सुधार कमेटी की तरफ से सार्वजनिक जगहों, मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों, मंदिरों, मरघटों, स्कूलों, पार्कों आदि में पौधे लगाने का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर किया जाएगा और जनता से ये अपील की गई कि हर आदमी कम से कम एक पौधा जरूर लगाए, ताकि देश में पर्यावरण को बढ़ावा मिल सके और शुद्ध वातावरण पैदा हो सके और कोरोना जैसे घातक मर्ज से बचा जा सके। इस अवसर पर मुशीर तरीन, वेद सत्य प्रकाश रस्तोगी, सुल्तान मोहम्मद खां, कलीम जिया किदवई, प्रिंसिपल रोजमेरी डिसूजा व बब्बू मोहम्मद रफीक आदि लोग मौजूद रहे। अपने पौधे लगाए, किस लिए लगाए हैं? ये नगर सुधार कमेटी की तरफ से हम लोगों ने पौधे लगाने शुरू किए हैं। साल हमारे और भी पौधे लगाने का जो टारगेट है वो लगभग 10,000 पौधे लगाने का टारगेट है। और इस अवसर पर मेरा कहना यह है कि हर इंसान कम से कम एक दो पौधे ज़रूर लगाए। और मेरी अपील है कि जैसा कि हिंदुस्तान से वन कम होते चले जा रहे हैं और पर्यावरण को बहुत भारी नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान को पूरा करने के लिए ये मुहिम बहुत ही ज़रूरी है। हमें रात और दिन एक करके पौधे लगाने चाहिए और ख़ास तरीके से ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो जनता के वैसे भी फायदे में हो। जैसा कि आज हमने जो पौधे लगाए हैं ये हार श्रृंगार के पौधे हैं, उसमें ये सैकड़ों मर्जों के लिए फ़ायदेमंद हैं। और हमारे वैद्य सत्य प्रकाश रस्तोगी जी, इनकी ये ख्वाहिश थी कि ऐसे पौधे सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाएँ जहाँ पर लोगों को फ़ायदा पहुँचे और एक आम जनता जिसको इलाज नहीं मिलता उसको बैठे बिठाए इलाज मिले और वो लोग उससे फ़ायदा उठाएं। और इसके अलावा बाकी के जो है हम लोगों का ये भी एक हमने तय किया है कि मस्जिदों में, मदरसों में, मंदिरों में, मरघटों में और स्कूलों में ख़ास तरीके से हम लोग जो हैं इस अभियान को चलाकर इन जगहों पर हम पौधे बड़ी तादाद में लगाएंगे। कितने पौधे लगाओगे? 10,000 के आसपास पौधे लगाने का हमारा विचार है। हर तरह के, उसमें चाहे जामुन है, शीशम है और हार श्रृंगार है या पीपल है, तो इस तरह के पौधे हम लोग लगा रहे हैं। अरे कुछ नहीं लगा रहे? ये जो पौधा मैं आज लगा रहा हूँ, लगवा रहे हैं हम, ये वायु का दर्द, गठिए का दर्द और बहुत से जोड़ों के दर्द के लिए मशहूर दवा है हार श्रृंगार के पत्ते। और मेरा 13 जुलाई को जन्मदिन था, उसमें मैंने घोषणा की थी कि मैं 100 हार श्रृंगार के पेड़ सार्वजनिक स्थानों पर, स्कूलों में, मस्जिद में, मंदिर में, ऐसी जगह लगाएं जहां सब लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके। इसलिए मैं नगर सौर कमेटी का संस्थापक सदस्य हूँ और इस दृष्टिकोण से कि लोगों को कम पैसों में सस्ती दवाएँ मिल जाएँ, तो यह पौधा केवल पौटाने खोटा कर पीने से ही लोगों को काफ़ी लाभ पहुँचाता है। इस विषय में मैंने कहा है जगह जगह गांव-गांव में वृक्ष लगाएं, घर आंगन तुलसी से सजाएं, नीम आंवला बट पीपल से और पर्यावरण बचाएं। तो मेरा यही वो है कि जितने पौधे बढ़ेंगे उससे वातावरण और पर्यावरण को सुखा सुधार होता है। इसलिए इन पौधों का लगाना जनहित में भी है और उन बीमार लोगों के लिए भी है कि लोग महंगा इलाज नहीं करा सकते। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं इन पौधों का निरंतर लगाता रहूँगा जिनसे लोगों को, आम जनता को, बगैर पैसे के लाभ मिले। क्या नाम है आपका? वैद्य सत्य प्रकाश रस्तोगी, उम्र 86 साल और 70 से मैं बराबर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। 60 से मैं आयुर्वेद की चिकित्सा में बराबर लोगों को लाभ पहुँचाने का प्रयास करता हूँ।